देखिए, जो ये घटना हुई है ये घोर निंदनीय है। अगर किसी अपराधी को आप पकड़ते हैं तो उसका हाफ इनकाउंटर नहीं कर सकते, ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन यहाँ का प्रशासन जब विकास और व्यक्ति को पकड़ता है तो उसका हाफ इनकाउंटर करता है। उसको बचाने के लिए उसकी पत्नी जब वहाँ गई तो पुलिस वाले उसको धक्का दे दिए, मारे, जिसकी वजह से उसको सर में चोट आई। और सर में चोट आने के बाद जब वो गिरी है तब उसके बाद उसका इंतकाल हुआ है। तो एक तो मुकदमा पुलिस प्रशासन के ऊपर बनता है, 302 और 307 का जो मुकदमा है पुलिस ने किया है। इस बीच को लेकर हम लोग डीएम से, कप्तान से और डीआईजी से इस बात की मांग की है कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उसके खिलाफ FIR दर्ज करें, मुकदमा दर्ज करें और उसको जो है सस्पेंड करें। तमाम ऐसी सब बातें आई, उस बात के दौरान ये निर्णय हुआ कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको तत्काल जो है सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद जो न्यायिक जुडिशियरी मजिस्ट्रेट इसकी जो है पूरी तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे, उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसके खिलाफ, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो है मुकदमा कायम होगा। देखिए, वो जौनपुर से उसके पति को पकड़ कर लाए, उसके साथ महिला भी थी। और जो घटना हुई है वो गाजीपुर जनपद में हुई, अठगावा के पास हुई। पूरा का पूरा जो है पुलिस प्रशासन इसमें दोषी है। आप लोगों के क्या मांग रहे हैं? हम लोगों की मांग रही कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR हो, मुकदमा कायम हो और जेल जाए। और उसके साथ जो मृतका है उसको कम से कम 50 लाख रुपया जो है सरकार मुआवजे के रूप में देने का काम करे, इसलिए कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके साथ कोई सहारा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया है कि मृतका को कम से कम 50 लाख रुपया दिया जाए। अब पुलिस तो अपनी दूसरी बात बता रही है, लेकिन हम लोगों के वजह से जो हम लोग के एंगल से जांच किया है इसमें हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि उसके खिलाफ इस प्रकार के मुकदमे रहे कि उसका जो है इनकाउंटर किया जाए। पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि शराब और गौ तस्कर के मामले में हम लोगों ने इनको जो है गिरफ्तार किया है। ठीक है, आप गिरफ्तार कर रहे हो, लेकिन गिरफ्तार करने के साथ क्या आप उसका इनकाउंटर करोगे? ये कहाँ का न्यायिक प्रक्रिया है? खुद पुलिस प्रशासन इसको जो है अपने हाथ में, न्याय को अपने हाथ में ले रही है। सर, क्या लगता है जरूरत पड़ेगी तो जरूर उठाएंगे।